अब अगली खबर, हिमाचल के मुख्यमंत्री से नाराज कांग्रेस आलाकमान। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शिमला मस्जिद को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सुक्खू सरकार की मिस हैंडलिंग से बीजेपी को मौका। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान नाराज है जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के की स्थितियों को, वहां के हालात को हैंडल किया है। सीएम ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री से आलाकमान नाराज है और मिस हैंडलिंग का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। सीधे मैं आपको सचिन के पास ले चलता हूं। सचिन, पिछले दिनों में जो तस्वीर नजर आई, जिस तरीके से जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, सरकार को घेरा गया, ऐसा लग रहा है कि इसी का खामियाजा मुख्यमंत्री को उठाना पड़ रहा है। जो खबर है कि आलाकमान से उन्हें कहा गया है कि आपने मिस हैंडलिंग की, ढंग से नहीं इस मामले को टैकल किया आपने। जी देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत में कोताही जरूर हुई है सरकार की तरफ से। जो इनपुट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं कलेक्ट हुए। कल कितनी गैदरिंग हो सकती थी उसको लेकर भी जो है प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन पुलिस के पास या प्रशासन के पास नहीं थी। और हज़ारों लोग जो हैं इकट्ठा हो गए, मस्जिद की तरफ चार्ज कर रहे थे, तो अल्टीमेटली एट लास्ट जो है पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो शुरुआत में जो है मिसहैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ासकर सरकार के ही अपने ही मंत्री जो हैं इस सारे मामले में जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो उससे भी सरकार की जो है किरकिरी हुई है। तो ये सारी सिचुएशन जो है सरकार के लिए जो है वो समस्या जो है इसमें बनी हुई है। और सरकार की तरफ से मिसहैंडलिंग हुई है तो ऑब्वियस है, नेचुरल है कि पार्टी का हाईकमान जो है वो नाराज़ है। पर अब सरकार की तरफ से जो है कोशिश जो है लगातार की जा रही है कि इस मामले को जो है वो सुलझाया जाए। और उसी का नतीजा है आज जो है, आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जो है एक प्रपोजल जो है वो दिया गया है, एक प्रपोजल दिया गया है म्युनिसिपल कमिश्नर को कि वो ऊपर की जो दो मंजिलें हैं मस्जिद की, उनको जो है वो डेमोलिश करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, संजौली मस्जिद विवाद जो है इसका सियासी घमासान की स्थिति भी इस पर नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा है कि मस्जिद अवैध है, जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। ये संबित पात्रा की तरफ से बात कही गई है। 45 बार मस्जिद को नोटिस मिला है। हिमाचल में लोकल लोगों को पीटा जा रहा है, ये गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ये बात भी कही गई। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। ABP News, आपको रखे आगे।